हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान में एक एनजीओ द्वारा शिक्षक की भर्ती, जिसमें नॉन टेक्निकल भी पोस्ट है और उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है जो एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके लिए आपको इसमें क्या-क्या पोस्ट हैं और क्या क्या पेमेंट आपको सैलरी मिलेगी, क्या क्या सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी, उन सभी की हम आपको पूरी जानकारी देंगे। चलते हैं हमारे वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको सभी जानकारी उपलब्ध होगी। सबसे पहले आप गूगल में www.jantakaportal.online टाइप करें और सर्च करें। सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे ऊपरी ऊपर ई स्मार्ट एजुकेशन बोर्ड के और राजस्थान विद्यालय के लिए सुविधा शिक्षक भर्ती 2021 ऑनलाइन फॉर्म लिखा हुआ दिखाई देगा। इस पर क्लिक करना है आपको। यह भर्ती सिर्फ एजुकेशन के लिए है, जिसमें टीचर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड और नॉन टेक्निकल जो टेक्निकल फील्ड के जो होते हैं, जो आईटीआई के, कंप्यूटर एमएससी या बीएससी करियर, उनके लिए ये भर्ती है। इनमें अच्छा आपको पेमेंट भी अच्छे मिलेगा और एनजीओ के द्वारा आपको लैपटॉप, वेबकैम, इंटरनेट कनेक्शन और बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप ऑनलाइन बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। इसके लिए एनजीओ ने आपकी एक पर मंथ सैलरी भी निर्धारित कर रखी है। जैसे टीचर के लिए 28,000 रुपया और जो टेक्निकल फील्ड है उनके लिए ये 35,000 रुपये है। इसमें प्रशिक्षण के समय वेतन मिलेगा आपको टीचर के लिए तो 10,000 रुपये और ये तकनीकी सहायक टीम के लिए 18,000 रुपये। इसमें योग्यता क्या क्या रहेगी टीचर के लिए? डीएड, बीएड या 12वीं प्लस अनुभव या स्नातक, स्नातकोत्तर या कोई एक अनिवार्य होना चाहिए। इनमें से कुछ भी एक हो, जैसे डीएड हो या बीएड हो या 12वीं के साथ आपको अनुभव की जरूरत होगी। और तकनीकी सहायता टीम में आपको आईटीआई, जिसमें पॉलिटेक्निक, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस या बीएससी कंप्यूटर साइंस से होना अनिवार्य है। ये एनजीओ के द्वारा है, ई स्मार्ट एजुकेशन बोर्ड है उसके द्वारा ये भर्ती कराई जा रही है। इसमें फॉर्म अप्लाई अभी स्टार्ट है, जिसका शुल्क आपको यहाँ पर सामान्य का 450 रुपया, ओबीसी का 370 रुपया और अनुसूचित जनजाति के 310 रुपये, ये इनकी फीस है। और फॉर्म ऑनलाइन आवेदन की तिथि है जो 20/5/2021 से स्टार्ट होकर 20/6/2021 है। अभी 3 दिन शेष है, आप भी ये फॉर्म भर सकते हो। ये आपको मैं एक बात और बता दूं, ये एग्जाम आपका अपने घर पर ही होगा और वो भी ऑनलाइन माध्यम से होगा। अपने मोबाइल से दे सकते हो ये एग्जाम, ऑनलाइन तो लैपटॉप से दे सकते हो, आप किसी माध्यम से आप ये एग्जाम देकर उसमें पास होकर और सुविधा कर्मचारी लग सकते हो एनजीओ के तहत। इसमें आपको मेरिट किस आधार पर होगी वो बता दी जाए। इनमें 3 चरण होंगे। ऑनलाइन परीक्षा होगी, पहले आपकी ऑनलाइन परीक्षा की डेट 11/7/2021 से लेकर 15/7/2021 तक है। इनमें क्या क्या सिलेबस आएगा वो भी मैं आगे बताऊंगा, आप वीडियो पूरा देखता जाए। और क्या क्या सर्विस है, क्या क्या सिलेबस है, कितना मार्क्स है, कितना टाइम मिलेगा और कितनी बार ये एग्जाम दे सकते हो। ऑनलाइन देते हो तो आपके इंटरनेट कनेक्शन में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसको कैसे सुधार सकते हो और फिर दोबारा कैसे एग्जाम दे सकते हो, वो सब आपको मिलेंगे। एग्जाम की डेट है रहेगी जो 11/7/2021 से लेकर 15/7/2021 तक रहेगी। और इसके जो 3 चरण है, फर्स्ट आपका ऑनलाइन परीक्षा होगी, दूसरे चरण में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और तीसरे चरण में आपके दस्तावेज का स्थापन किया जाएगा, जो आपके क्वालिफिकेशन वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट आपके होंगे उनका स्थापन किया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और ट्रेनिंग के बाद में आपको ये ऑनलाइन एजुकेशन बोर्ड
के तहत आपको पढ़ाना होगा। इसमें आपको 3 चरण के उपरांत 3 माह का प्रशिक्षण जरूरी है। सामग्री व उपकरण जैसे 3 महीने का प्रशिक्षण देंगे, जिसमें आपको लैपटॉप, वेबकैम, इंटरनेट कनेक्शन ई स्मार्ट एजुकेशन बोर्ड प्रदान करेगी। यानी लैपटॉप, वेबकैम, इंटरनेट कनेक्शन, वो ये जो ई स्मार्ट एजुकेशन बोर्ड है वो प्रदान करेगी आपको। और आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो और इनमें क्या क्या, जैसे मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। जैसे टीचर के लिए अभ्यर्थी को ये निर्देश है, शर्त या आप स्क्रीनशॉट ले लें और वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर ही मिल जाएंगे। अभ्यर्थी को ध्यानपूर्वक कंप्यूटर, स्मार्टफोन का इंटरनेट कनेक्शन की पुष्टि कर लें, चालू है या नहीं। परीक्षा आरंभ होने के पूर्व पेज को रिफ्रेश या इंटरनेट बंद चालू ना करें। किसी कारणवश आप परीक्षा पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो परीक्षा में आपको 2 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। परीक्षा आरंभ होने पर आपके कंप्यूटर, स्मार्टफोन, कैमरा और माइक स्टार्ट रहता है। कृपया कर ध्यानपूर्वक करें। परीक्षा में किसी प्रकार की नकल ना करें। यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है तो आपकी परीक्षा रद्द की जाएगी। और परीक्षा पूर्ण करने की समय अवधि 2.5 घंटे की होगी। परीक्षा के दिनांक के दिन अभ्यर्थी किसी भी समय यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग कर परीक्षा को पूरा कर सकता है। यानी ये जरूरी नहीं कि आप उसको सुबह करो, शाम को करो, दोपहर को करो। उस दिन आपको एग्जाम टाइम मिलेगा, उस दिन आप किसी भी समय एग्जाम देकर और इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हो। इसमें आपको बाल विकास के प्रश्न आएंगे, जिसमें 25 अंक का प्रश्न रहेगा। प्रदर्शन सामान्य ज्ञान के 15 अंक, सामान्य ज्ञान 15 अंक, गणित के 15 अंक, अंक गणित और तर्क बुद्धि के 30 अंक, हिंदी व्याकरण के 15 अंक, अंग्रेजी व्याकरण के 15 अंक, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के 20 अंक। टोटल आपके होंगे 150 अंक, जो MCQ परीक्षा के पूर्ण अंक है। और ये NGO द्वारा निकाली गई भर्ती है, सरकारी भर्ती नहीं। इसमें NGO का ही सब कुछ रहेगा। तो इसकी मैं संपूर्ण जानकारी देती हूँ। और इस फिर आप हमारे यहाँ जो अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म क्लिक है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई फॉर्म करने के लिए जो ये स्मार्ट एजुकेशन बोर्ड की जो मेन वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में आप नीचे जाओगे। आर यू रेडी अप्लाई टीचिंग एंड लर्निंग आर सेट। यहाँ पर जो वैकेंसी है, वैकेंसी गो टू अप्लाई नाउ पेज एंड ज्वाइन अस, इस पर क्लिक करना है आपको। और आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा, कौन सी भर्ती के लिए, कौन सा आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में आप हमें अपना जवाब भेजें। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।